हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप फोर फीचर बताने वाला जो कि रियल क्रिकेट 22 गेम के अंदर आपको ऐड होते हुए दिखाई दे जाने वाले हैं। कंफर्म फीचर है, कोई भी अपनी तरफ से नहीं बताऊँगा, कन्फर्म फीचर है जो कि गेम के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। 110% अपने कन्फर्म न्यूज है ये कि आपको ये जो फीचर है जो बताने वाला हूँ वो फीचर आपको देखने को मिलने वाले। साथ में यहाँ पर बात करेंगे कि गेम कब तक देखने को मिलने वाला प्ले स्टोर के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग वाला वीडियो मंथ तक बने रहेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो फाइनली कर लेते आज के इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो फीचर निकल के आ जाता है वो है प्लेयर इमोशन का। अब इसका क्या मतलब है, बहुत सारे मेरे व्यूअर यहाँ पर जो है वो सोच में पड़ गए होंगे कि ये प्लेयर इमोशन का क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप रियल मैच देखते हैं तो वहाँ पर देखिए बॉलर को जब कोई बाउंड्री पड़ती है तो उसका जो रिएक्शन होता है, जैसे या फिर कैच ड्रॉप कर देता है तो फील्डर, उसके बाद जो बॉलर का रिएक्शन होता है या फिर कोई फील्डर का कप्तान का रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं प्लेयर इमोशन। अब ये जो फीचर अभी तक किसी भी गेम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पर एंड्रॉइड क्रिकेट गेम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एपिक क्रिकेट गेम के अंदर ये फीचर देखने को मिल जाता है, बाकी किसी भी एंड्रॉइड क्रिकेट गेम के अंदर ये जो फीचर है वो देखने को नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है कि रियल क्रिकेट 22 गेम के अंदर ये जो फीचर है वो ऐड होना चाहिए या फिर नहीं ऐड होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये फीचर ऐड होते हुए दिखाई दे जाने वाला, क्योंकि आपने अगर ट्रेलर में देखा होगा तो वहाँ पर देखे जब ओवर थ्रो होता है, अब देखें वहां पर जैसे आप ट्रेलर में देखेंगे वहां पर जैसे ओवर थ्रो होता है तो वहां पर विकेट कीपर की तरफ से जैसा रिएक्शन आता है तो इसको बोलते हैं प्लेयर इमोशन। अब सेकंड जो फीचर है वो है आरसीबी की न्यू जर्सी। अब देखिए आरसीबी का अगर आप आईपीएल में देखते हो तो आरसीबी ने पिछले यहां पर मैच में अपनी जो है वो ग्रीन जर्सी को पहना था। अब देखिए सिर्फ यहां पर अगर रियल क्रिकेट 20 की बात करें तो इसमें आपको ग्रीन जर्सी देखने को मिल जाती है, वो 2011 का आप आईपीएल खेलोगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी ग्रीन जर्सी। लेकिन अगर हम क्विक प्ले मैच की बात करें तो वहां पर सिंपल वही रेड वाली जर्सी देखने को मिलती है, ग्रीन वाली जर्सी वहां आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। एंड आप सभी को पता है कि रियल क्रिकेट 22 गेम के अंदर सेपरेट जर्सी देखने को मिलने वाली, यानी कि हर एक टीम की अलग अलग जर्सी होने वाली। T20 के लिए अलग है, ODI के लिए अलग होती है, लाइक यहाँ पर इंग्लैंड को लगा लीजिए वैसे यहाँ पर आरसीबी की दो जर्सी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आरसीबी की दोनों के दोनों जर्सी को क्विक प्ले मैच के अंदर भी आप सिलेक्ट कर पाए। वहां पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन तो होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये दोनों जर्सी आपको क्विक प्ले मैच के अंदर भी सिलेक्ट कर पाए और अपने सिलेक्ट करके अपने वो गेम के अंदर खेल पाए। अब ये जो फीचर है वो ऐड होने चाहिए या फिर नहीं ऐड होना चाहिए वो नीचे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अब अगला जो फीचर है वो यहाँ पर रन बटन। अब देखिए यहाँ पर गेम के अंदर तो रन बटन तो आपको जरूर से देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरीके से रन बटन होना चाहिए। जैसे कि उस स्ट्राइकर एंड को यहाँ पर रन बटन होना चाहिए और साथ में नॉन स्ट्राइकर एंड का भी रन बटन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट 22 की बात करें तो वहाँ पर देखिए ऐसे ही कुछ होता है, तो आप देखिए पहले नॉन स्ट्राइकर को दौड़ाते हैं, उसके बाद अपने जो स्ट्राइकर एंड को यहाँ पर जो वो रन करवाते हैं। तो इसी तरीके से आपको रियल क्रिकेट 22 गेम के अंदर भी ऐड होना चाहिए। मुझे यहाँ पर किसी व्यूअर ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ फीचर ऐड होना चाहिए, तो ये भी नीचे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा कि क्या ये भी फीचर ऐड होना चाहिए या फिर नहीं ऐड होना चाहिए, यहाँ पर जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। आखिरी गेंद यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा कमेंट देखने को मिले थे कि गेम का साइज कितना होगा। अब देखिए मैं आपको ऑलरेडी से बता चुका कि अपन टोटली यहाँ पर न्यू गेम होने वाला है, ग्राफिक आपको पता है कि ट्रेलर के अंदर आपने देखा ग्राफिक और गेम प्ले कितना अच्छा बनाएगा, उसके बाद और भी अच्छे अच्छे फीचर आपको बनाए गए, स्टेडियम डायमेंशन बाउंड्री डायमेंशन अलग अलग है, तो हो सकता है कि इस गेम का जो साइज है वो 700+ MB देखने को मिल जाए। क्योंकि देखिए अगर आप रियल क्रिकेट 20 की बात करें तो उसका जो साइज देखने को मिल जाता है वो 570 MB देखने को मिल जाता है, उसके बाद अगर आप रियल क्रिकेट 20 का साइज ऑलमोस्ट यहाँ पर लगाकर चले तो 700 MB के ऊपर इसका जो साइज होने वाला है। बाकी आपको कितना MB साइज लगता है इसका कि होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसका जो साइज है वो 1 GB के नीचे ही रहेगा और 700 MB के ऊपर रहेगा। ये मैं अपनी तरफ से कन्फर्म करा के आपको बता रहा हूँ कि 700 MB से लेकर 900 MB के बीच बीच में इसका जो साइज है वो देखने को मिल जाने वाला है। बाकी आपके डिवाइस के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए किसी डिवाइस के अंदर किसी गेम का साइज ज़्यादा होता है, किसी डिवाइस के अंदर किसी गेम का जो साइज है वो कम होता है। अब देखिए डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 700 MB प्लस इसका जो साइज होने वाला है, लेकिन 900 MB से नीचे इसका साइज आपको जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बोल देना डिसलाइक मार देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, अब तक के लिए टाटा बाय बाय।